सहारनपुर के जुबली पार्क में श्री कृष्णा राम नाटक क्लब के तत्वाधान में हरीश भतेजा के निर्देशन में लंका दहन का सुंदर मंचन किया गया, जिसमें अक्षय कुमार वध, हनुमान मेघनाथ संवाद, हनुमान रावण संवाद का सुंदर मंचन दिखाया गया। इस अवसर पर प्रधान महेंद्र तनेजा ने बताया कि इस वर्ष हमारे रामलीला को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हमारी बिरादरी के लोग जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त यहां पर आए थे तो उन्होंने ये परंपरा शुरू करी थी जो तभी से चली आ रही है। महेंद्र तनेजा ने कहा कि यह परंपरा सभी के सहयोग से चल रही है, इसको कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता। इस दौरान महापौर डॉ. अजय कुमार, महामंत्री विवेक दुआ, रथ सारथी दिनेश खन्ना, हेमंत अरोड़ा, राजकुमार नरूला, रम्मी धवन, साजन गंगा, नीरज कामरा आदि उपस्थित रहे। इस रामलीला को इस वर्ष 75 वर्ष हो चुके हैं और ये परंपरा, ये सारी चीजें जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय जो हम लोग, हमारी बिरादरी के लोग और सब लोग आए तो उन्होंने इस परंपरा को जारी कर दी। उस परंपरा को हमारे बुजुर्गों ने पहले चलाया, अब ये पिछले लगभग 40 वर्ष से मैं इसका अध्यक्ष हूँ, उस परंपरा को बनाए हुए। लेकिन इसमें सबका सहयोग है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा मानना है। प्रभु राम अपने काम स्वयं कराता है और प्रभु राम ये चुनता है कि इस काम को कौन कौन करेगा, तो मेरी पूरी टीम तन मन धन से समय लगाकर हम लोग इकट्ठे इस क्लब को चला रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, ये मेरे सारे साथी जितने हैं, पूरी कार्यकारिणी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं इसका भी सब आभारी हूँ और प्रभु राम का आशीर्वाद इसी तरह हमको मिलता रहे और मेयर साहब को मिलता रहे, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, ये देश जो है भगवान राम का देश है, भगवान राम इस देश के कान देता है और भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना असंभव है। तो इस क्रम में लगातार वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ 1947 के बाद से, लगातार श्री कृष्ण राम नाटक क्लब के द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता रहा है। आज आप मेरे दोनों तरफ जो मेरे मार्गदर्शक देख रहे हैं, महेंद्र जी तनेजा और विकी दुआ जी, यह लोग इस मंच की, इस नाटक क्लब की रीढ़ की हड्डी है, जिनके द्वारा लगातार लोगों को प्रेरणा मिलती है और लगातार रामलीलाओं के मंचन होते हैं, जो समाज के लिए एक प्रेरणा का कार्य बनते हैं। इसी क्रम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं और भगवान राम के इस लीला का मंचन देखते हैं। सहारनपुर में बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस लाइन पहुंचा और एसएसपी से मुलाकात की। बसपा के नेता इमरान प्रमुख ने शेखपुरा में हुए पथराव की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, यदि लोग इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो देश का माहौल खराब होगा। उन्होंने महंत यति नरसिंहनंद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि शेखपुरा मामले में निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस को जांच कर गिरफ्तारी करनी चाहिए। पत्रकार बंद होगा, धन्यवाद करता हूं। देखो जी, ये जो भी हुआ, सबसे पहले तो जिसने ये टिप्पणी करी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस में शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और जो शेखपुरे में हुआ ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना विज्ञापन उन्हें डीएम साहब को या कप्तान साहब को देना चाहिए था, ना के चौकी में देना चाहिए था। दूसरी बात, अब जो गिरफ्तारियां हो रही बेकसूर हो गई, वो बहुत गलत है। और प्रशासन, हमारे प्रशासन से एक ही मांग है, सही जांच करके जो निर्दोष लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी पुलिस कह रही है कि वीडियोग्राफी के आधार पे गिरफ्तारी हो रही है, आप कह रहे हैं गलत लोगों की। नहीं, पहले तो इसमें जांच ये भी तो होनी चाहिए, ऐसा हुआ क्यों, ये भी तो होना चाहिए ना, ऐसा ऐसी नौबत आई क्यों, ये भी तो देखना चाहिए। क्या मांग तो यही, निष्पक्ष जांच हो इसकी, हमारी तो यही मांग है।